लखनऊ में हुए बिजली विभाग में पीएफ घोटाले के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी दो दिन तक कोई काम नहीं करेंगे और आने वाले दो दिन बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें भरे हो सकते हैं। दो तस्वीरें भी हड़ताल की आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो भविष्य निधि घोटाले के विरोध में बिजली कर्मियों की हड़ताल है। लखनऊ और बिजनौर में बिजली कर्मचारियों किस तरह से धरना प्रदर्शन किया, ये दो तस्वीरें बयां कर रही हैं। बता दें कि यहां सभी बिजली कर्मचारी 18 और 19 नवंबर को हड़ताल पर रहेंगे। तो धरना प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों की मांग है कि इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच की जाए। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे। सरकार ने हमारा 26 अरब रुपए का यहाँ इस विभाग में पीएफ घोटाला हुआ है। ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस में ये पैसा नियमों के विरुद्ध इन्वेस्ट किया गया और कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड ये वहाँ पर लगाकर वो कंपनी डूब गई है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस उसमें ये सारा पैसा इन्वेस्ट किया था। हमारी मांग ये है कि सरकार ये पैसा देने की जिम्मेदारी ले। जब तक जिम्मेदारी नहीं लेती हम इसी तरह आंदोलन पर रहेंगे। ये आंदोलन लगातार चल रहा है, उसी के क्रम में ये 48 घंटे का कार्य बहिष्कार है और ये 48 घंटे जारी रहेगा।